दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। नाउ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 को हम एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रोवाइड कॉम्पेंसेशन एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट एंड इंश्योर दैट द वर्कमैन हैव ए सस्टेनेबल लाइफ आफ्टर एन इंक्वायरी कॉज ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। एक इंसान जब किसी फर्म में काम करता है तो वो आगे की सिक्योरिटी चाहता है, तो इस एक्ट को बनाने के पीछे उनका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि जो भी यहाँ काम कर रहा है उसके साथ अगर इस दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कोई डिसेबलमेंट हो जाती है तो उसको ये डर ना रहे कि पीछे मेरे परिवार को कैसे पाला जाएगा। दिस एक्ट फॉर्म्स अ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। ये एक्ट एक एम्प्लॉयर की तरफ से वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है जो उसको लेनी चाहिए वर्कमैन के वेलफेयर के लिए अगर वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। और ये सारी क्योंकि वो जब सारे लाइफ उनसे प्रॉफिट ले रहा है तो उसका हक बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे बिकॉज वही उनके लिए अर्निंग सोर्स है। तो स्कोप क्या है इस एक्ट का? ये एक्ट लायबल है टू द वर्कर्स हु वर्क इन एन इंडस्ट्री मैंशनड इन द एक्ट एंड द एक्ट प्रोटेक्ट्स ओनली दोज इंजरीज जो कि एक्सीडेंट हुआ है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ये नहीं कि आप काम करके बाहर चले गए या अपने घर जा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है एम्प्लॉयर की। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क जब काम करते दौरान उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कुछ एक्सेप्शन के साथ तो वो इसके स्कोप में आता है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये होल इंडिया, पैन इंडिया बोलते हैं हम इसको, ऑल अक्रॉस द इंडिया ये एप्लीकेबल है वर्कर्स एक्ट आपका 1923 जिसको हम एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट भी बोलते हैं। इस एक्ट में आते हैं क्या क्या है? ये एक्ट कवर करता है, इट इज फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन फैक्ट्रीज माइंस डॉक्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट जो कि स्केड्यूल टू ऑफ द एक्ट में मैंशनड है, हर फैक्ट्री माइंस डॉक्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोगों के ऊपर। इट अप्लाइज टू द पर्सन हायर टू वर्क अब्रॉड एज मैंशन अंडर स्केड्यूल टू ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ये जो लोग हायर किए गए हैं बाहर काम करने के लिए उनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये उन एम्प्लॉयज पे भी एप्लीकेबल है जो ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, हेल्पर्स हैं, मोटर व्हीकल चलाने वाले लोग, कैप्टन एंड अदर क्रू मेंबर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ये एक्ट किन पे अप्लाई नहीं होता? दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन एंड वर्कर्स हु गेट कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जो वर्कर्स इनके अंडर आते हैं उनको ये नहीं लेता और आर्म्ड फोर्सेस को नहीं लेता। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 जो है ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉयज को, उनको कॉम्पेंसेशन देकर ड्यूरिंग इंजरी एंड एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। काम करते दौरान अगर उनमें से किसी के साथ कोई डिसेबलमेंट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसको ये कवर करता है। एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है कॉम्पेंसेशन की? नंबर वन, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी अगर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाए, सपोज मैं किसी टाइल फैक्ट्री में काम कर रही हूँ तो टाइल फैक्ट्री में जो कटिंग के दौरान जो धूल निकलती है वो जो धूल होती है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो ऐसे में जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस वाले जो जॉब्स हैं उसमें क्या होता है, देर आर सर्टेन ऑक्यूपेशन जहाँ पर इम्प्लॉयज को डिजीजेस हो सकती हैं, जिनसे किन चीज़ों से? इंफ्रारेड रेडिएशन से, जहाँ पर रेडिएशन निकलती हैं, स्किन डिजीजेस जहाँ पर केमिकल या लेदर फैक्ट्री वाले काम है, हियरिंग इंपेयरमेंट कान की प्रॉब्लम जहां पर नॉइस वाला काम ज्यादा होता है जैसे मशीनें चलती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लंग कैंसर ड्यू टू एस्बेस्टस डस्ट जो एस्बेस्टस की डस्ट होती है उससे, और डिजीजेस जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको हो जाती है। माइनर्स जैसे कि होते हैं सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं जो माइनिंग करते हैं, उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की एक लंग डिजीज है। ऐसे एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग जैसे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सारा यूज करना है उनको, तो ये जो चीज़ें हैं वीडीसाइड्स हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं इन सब चीज़ों से जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बोलते हैं इनको, इन सब के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है। नंबर वन, देन प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लायबल। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, किन चीज़ों में वो लायबल नहीं होगा? इफ एनी इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 डेज। सपोज आपको कोई डिजीज हो गई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तीसरे दिन डॉक्टर ने आपकी छुट्टी कर दी, उसने कहा बस ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे ही छोटा सा इनको प्रॉब्लम हो गई थी। तीसरे दिन अगर आपकी छुट्टी हो गई तो उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं है। वो 3 दिन से ऊपर अगर आप एडमिट रहते हैं या आपकी बीमारी 3 दिन से ज्यादा चलती है तो वो उसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए लायबल है, अदरवाइज नॉट। आपने देखा होगा इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं ना ज्यादातर जिनको कॉम्पेंसेशन मिलता है वो कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में 3 दिन से ज्यादा दिन रहने के लिए ताकि उनका ये कॉम्पेंसेशन मिल जाए।
फिर कोई ऐसी इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू इफ द एम्प्लॉय इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रंक और ड्रिंक. अगर एम्प्लॉय पी कर कोई काम कर रहा है, उसने कोई हार्ड ड्रिंक ली हुई है और वो पी के अगर वो कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर कतई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉम्पेंसेशन देने के लिए. दूसरा, अगर उसको कोई सेफ्टी गार्ड लेने के लिए कहा गया और उसने नहीं लिया, उसने एम्प्लॉयर की बात नहीं मानी या उसने रिमूव कर दिया ड्यूरिंग काम करते हुए, तो उसमें एम्प्लॉयर की कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, वो कॉम्पेंसेट नहीं करेगा. सेकंड इज पर्सनल इंजरी. अगर उसको कोई पर्सनल इंजरी हुई है, जैसे उसको घर जा रहा है, घर जाते हुए उसको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, घर जाते हुए इंजरी हुई, वहां पर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हाथ पैर टूट गया उसका, तो उस केस में भी एम्प्लॉयर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉम्पेंसेशन. थर्ड इज एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में क्या है कि जैसे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज के दौरान, एक्सीडेंट मस्ट ऑकर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू रेलवे सर्वेंट्स एंड पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी कैपेसिटी विच इज मेंशन्ड इन स्केड्यूल 2 ऑफ द एक्ट. द पर्सन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, व्हीकल, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सब इसके अंदर कंसिडर होंगे. एक फैटल एक्सीडेंट इज वन वेयर देर इज अ डेथ ऑफ हाई रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉय. इन केस ऑफ फैटल एक्सीडेंट द एम्प्लॉय माइट डाई और सफर द डिजीज. ऑन द अदर हैंड नॉन फैटल एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पर उनको कोई ज्यादा डेथ वेथ की प्रोबेबिलिटी नहीं होती. तो एम्प्लॉय और द वर्कमैन माइट सफर डिसेबिलिटीज और एनी टाइप ऑफ पर्सनल इंजरी. अब इनके लिए भी वो लायबल है. तो बट इसके अंदर क्या है कि जब इंजरी अकर जो हुई है उसके साथ, उस टाइम पे वो बिजनेस के किसी काम से नहीं जा रहा था, वो कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, या फिर उसकी वो जो इंजरी हुई है वो उस नेचर से लेना देना ही नहीं है. मतलब मेरे को इंजरी हुई, मैं रास्ते में भाग रही थी उसकी वजह से, और मैं उसको कहीं पर भी अपने बिजनेस से कोरिलेट नहीं कर सकती कि मुझे फैक्ट्री में हुई है. अगर मेरे को फैक्ट्री के बाहर भी हुई है या समथिंग कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका संबंध होना चाहिए आपके काम से. अगर आपको अपने काम से इंजरी हुई है तो ही वो कॉम्पेंसेट करेगा आपको, अदरवाइज नो. अच्छा, कैलकुलेट कैसे होता है कॉम्पेंसेशन, वो कितना कॉम्पेंसेशन दे, इसको सेक्शन 4 में बताया गया है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, पहला कंडीशन है अगर डेथ हो गई एम्प्लॉय की, तो मिलेगा अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ एम्प्लॉयज मंथली वेज. जो उसको मंथली वेजेस मिलते थे अभी तक उसने जितना काम किया उसका 50%, मतलब 15-15 दिन हर महीने का जो पेमेंट है. जैसे सपोज मेरी 5,000 पेमेंट है, तो 5,000 का आधा 2,500, तो अगर मैंने 11 महीने काम किया तो 11 महीने के 2,500 के हिसाब से उसको अमाउंट मिलेगा. और नहीं तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है, 1,20,000 रुपये दे दिए जाएंगे, विच एवर इज मोर. अगर उसका 1,20,000 ज़्यादा बनता है तो वो दिया जाएगा, अगर उसकी मंथली वेजेस जो है 50% वाली वो ज़्यादा बनती है तो वो दी जाएगी. ये था डेथ के केस में. अगर परमानेंट या टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है उसको, तो क्या होता है, यही अमाउंट 1,00,000 आपका 40,000 हो जाता है, और वही 50% उसकी, सॉरी 60% हो जाती है उसकी टोटल अर्नड इनकम की, 60%. ठीक है, सपोज मेरी 10,000 अगर मंथली सैलरी थी तो मेरी 6,000 रुपये जो है 60% और उसका आधा 3,000. ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा. मतलब 60% जो होगी उसकी पेमेंट, या फिर 1,40,000, विच एवर इज मोर. अगर इन केस उसका बात कर रहे हैं हम परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, अगर पार्शियल डिसेबलमेंट होता है तो ऐसी इंजरी को पार्ट 2 स्केड्यूल 1 में बताया गया है, इसमें कॉम्पेंसेशन परसेंटेज पेएबल गेट स्पेसिफाइड एज अ परसेंटेज ऑफ लॉस. आपका लॉस कितना हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके हिसाब से आपको दिया जाता है. एंड इन केस ऑफ टेम्पररी डिसेबलमेंट एन अमाउंट इक्वल टू हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ द एम्प्लॉयज मंथली वेज. जो एम्प्लॉय का मंथली वेज था उसका 25% उसको मिल जाता है. दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ उसका वेजेस. लास्ट इज आपका प्रोसीजर टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, किस तरीके से क्लेम किया जा सकता है. पहला तो एप्लीकेंट क्या करेगा, नोटिस देगा, अगर वो खुद जिंदा है तो नोटिस देगा एम्प्लॉयर को, या नोटिस बुक में लिख के देगा विद इन एन एप्रोप्रिएट पीरियड. इनका एक पीरियड होता है, 2 साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकते हैं उस पीरियड के अंदर अंदर. अगर वो खुद मर गया तो उसका जो लीगल हायर है वो आके यही काम करेगा. द नोटिस शुड इनकॉर्पोरेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन. नोटिस के अंदर क्या क्या होगा, उस आदमी का खुद का नाम, उसका एड्रेस जिसको चोट लगी है, और उसको इंजरी क्या हुई, कौन सी डेट को हुई, ये मेंशन होगा. फिर उस क्लेम को कमिश्नर को देगा 2 साल के अंदर अंदर एक्सीडेंट डेट के अंदर, ताकि वो उसका कैलकुलेशन कर सके. एंड इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज एक्सीडेंट गेट्स कंसीडर्ड टू अकर ऑन द फर्स्ट डेट व्हेन इलनेस अकर्स. अगर एक्सीडेंट हुआ है उसका, कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हुआ है, तो उस एक्सीडेंट को कंसिडर करेंगे उस दिन से जहां से उसको पहले दिन इलनेस शुरू हुई थी. तो ये आपका जो है, ये है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जिसमें ये सब चीजें आपको लिखनी है कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर मेंशन कर दी है. थैंक यू सो मच.